Hello everyone, my name is Sarang and welcome to the Sarang Mores Farm Academy. तो आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर अमाइनो एसिड इन द सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री इन द जो सीरीज प्रिपरेशन विद इन फॉर द डी फार्मेसी एग्जिट एग्जाम 2022। तो अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए सारंग मोरेज फार्म एकेडमी को। अगर आपको कोई पॉइंट के ऊपर डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका डाउट सॉल्व कर सकूं। तो बढ़ते हैं फर्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो जो पहला टेस्ट है जिसका नाम है निनहाइड्रिन टेस्ट, जिसमें 2 ml OS, OS मतलब ओरिजिनल सॉल्यूशन, जो भी सैंपल आपके लैब असिस्टेंट आपको प्रोवाइड करते हैं या फिर आपको अलॉट करते हैं, वो सैंपल आपको पानी में मिक्स करना है और उसी सॉल्यूशन को हम ओरिजिनल सॉल्यूशन बोलते हैं। तो 2 ml of OS प्लस 0.5 ml of निनहाइड्रिन रिएजेंट एंड बॉइल फॉर 2 मिनट्स। अगर ब्लू और वायलेट कलर दिखाई दे हमें टेस्ट ट्यूब के अंदर तो हम ऐसे मान के लेकर चल सकते हैं या फिर हमें एक क्लियर इंडिकेशन मिलता है कि दिया हुआ कंपाउंड एक अमाइनो एसिड है। उसके बाद जो नेक्स्ट टेस्ट है ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट, जिसमें 2 ml of ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस 1 ml of concentrated HNO3 और इस मिक्सचर को बॉइल करना है। उसके बाद 40% NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना है, 40% ड्रॉप बाय ड्रॉप आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करना है। अगर इस मिक्सचर को या फिर इस मिक्सचर को थोड़े समय के बाद उसको स्टैंड करने के बाद आपको येलो ऑरेंज कलर दिखाई दे तो हम ऐसे मान कर लेकर चल सकते हैं या फिर हम एक क्लियर रिजल्ट मिलता है कि दिया हुआ कंपाउंड एक एरोमेटिक अमाइनो एसिड है। उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट है अल्डिहाइड टेस्ट, जिसमें 2 ml of OS प्लस 5 drops of Milans reagent प्लस 5 drops of formalin mix प्लस 2 ml of concentrated H2SO4। अगर हमें ऑब्जर्वेशन में वॉयलेट रिंग दिखाई देगा एट द जंक्शन ऑफ टू लिक्विड तो एक क्लियर इंडिकेशन रहता है कि दिया हुआ कंपाउंड जो एक ओरिजिनल सॉल्यूशन में ऐड किया है वो एक ट्रिप्टोफैन है जो कि एक अमाइनो एसिड है। उसके बाद नेक्स्ट मिलान्स टेस्ट। तो एक्चुअली मिलान्स टेस्ट में हम 2 ml of OS सॉल्यूशन, OS मतलब ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस 2 ml of मिलान्स रिएजेंट और इस मिक्सचर को बॉईल करने के बाद हम ऐड करते हैं फ्यू ड्रॉप्स ऑफ NaNO2 और जब हम NaNO2 ऐड करने के बाद हमें ब्रिक रेड कलर दिखाई दे तो एक क्लियर इंडिकेशन रहता है कि दिया हुआ कंपाउंड जो कि ओरिजिनल सॉल्यूशन में प्रेजेंट है वो एक टायरोसिन है। उसके बाद नेक्स्ट है सोडियम नाइट्रोप्रुसाइड टेस्ट, जिसमें 1 ml of OS प्लस 1 ml of dilute NaOH प्लस 1 ml of sodium nitroprusside reagent ऐड करते हैं। अगर सोडियम नाइट्रोप्रुसाइड रिएजेंट ऐड करने के बाद हमें टेस्ट ट्यूब में रेड कलर का इंडिकेशन दिखाई दे तो हम ऐसे एक कंक्लूजन डिमांड कर सकते हैं या फिर इस्टेब्लिश कर सकते हैं कि दिया हुआ कंपाउंड एक सिस्टीन है जो कि एक अमाइनो एसिड है। उसके बाद जो नेक्स्ट टेस्ट है साकागुची टेस्ट, जिसमें 1 ml of OS प्लस 1 ml of 10% NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस 5 drops of alpha naphthenol प्लस 1 ml of dilute sodium nitroprusside। जब हम 1 ml of dilute sodium nitroprusside उसमें ऐड करते हैं और अगर हमें रिजल्ट में या फिर ऑब्जर्वेशन में रेड कलर दिखाई दे तो हमें ऐसे क्लियर इंडिकेशन मिल जाता है कि दिया हुआ कंपाउंड एक आर्गनाइन है जो कि एक अमाइनो एसिड है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जो कि है कंफर्मेटरी टेस्ट। तो
इतने सारे टेस्ट परफॉर्म करने के बाद एक ओरिजिनल सॉल्यूशन के ऊपर हमें एक 50% डाउट रहता है कि दिया हुआ कंपाउंड एक एक्चुअली ट्रिप्टोफैन है या फिर टायरोसिन है, या फिर साकागुची टेस्ट में जब हमें रेड कलर दिखाई देता है टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो हमें क्लियर डाउट रहता है या फिर 50% डाउट रहता है कि दिया हुआ कंपाउंड सच्ची में आर्गनाइन है, या फिर उसको उस डाउट को दूर करने के लिए हम उसके ऊपर कन्फर्मेटरी टेस्ट उसके ऊपर परफॉर्म करते हैं। तो पहला कन्फर्मेटरी टेस्ट है फॉर सिस्टाइन। तो सिस्टाइन के लिए कन्फर्मेटरी टेस्ट है 1 ml ऑफ ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस 1 ml ऑफ 40% NaOH सॉल्यूशन, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इस मिक्सचर को हम बॉईल करते हैं और सबसे लास्ट में हम ऐड करते हैं 1 ml ऑफ लीड एसिटेट सॉल्यूशन। के बाद अगर हमें ऑब्जर्वेशन में डार्क ग्रे कलर दिखाई दे तो ये क्लियर इंडिकेशन या फिर एक कंफर्म हो जाता है कि दिया हुआ कंपाउंड एक सिस्टाइन है। उसके बाद सीटी मतलब कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर ट्रिप्टोफैन, और उस रिएक्शन या फिर उस टेस्ट का नाम है हॉपकिंस कोल टेस्ट। तो आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, देखो पहला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है विच टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट आर्गनाइन, और उसका नाम है साकागुची टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन और इज यूज टू आइडेंटिफाई आर्गनाइन। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि विच ऑफ द टेस्ट इज यूज एज अ कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर ट्रिप्टोफैन, मतलब ऐसे कौन सी कन्फर्मेटरी टेस्ट है जो कि ट्रिप्टोफैन के लिए यूज की जाती है या फिर ट्रिप्टोफैन के लिए कन्फर्म की जाती है, और उस टेस्ट का नाम है हॉपकिंस कोल टेस्ट। तो एक्चुअली हॉपकिंस कोल टेस्ट में होता क्या है, 1 ml ऑफ OS मतलब ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस 1 ml ऑफ ग्लाइकोऑक्सैलिक एसिड, इस मिक्सचर को शेक किया जाता है और सबसे लास्ट में इसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऐड करते हैं। अगर लास्ट में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऐड करने के बाद हमें वॉयलेट रिंग दिखाई दे जंक्शन के ऊपर, मतलब जो दो लेयर सेपरेट हो जाते हैं हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करने के बाद, तो एक वॉयलेट रिंग हमें दिखाई देता है उस सॉल्यूशन के बीच में। तो अगर हमें उस वॉयलेट रिंग में दिखाई दे तो हम ऐसे कंफर्म कर सकते हैं कि दिया हुआ कंपाउंड ट्रिप्टोफैन है। उसके बाद नेक्स्ट कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर टायरोसिन, जिसमें है 1 ml ऑफ OS एंड 1 ml ऑफ मॉर्नर्स रिएजेंट, और इस मिक्सचर को हीट करते हैं बॉइलिंग तक। अगर हीट करने के बाद हमें टेस्ट ट्यूब में ग्रीन कलर दिखाई दे तो एक कंफर्म हो जाता है कि दिया हुआ कंपाउंड टायरोसिन है। उसके बाद नेक्स्ट है कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर आर्गनाइन। देखो जो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है फॉर आर्गनाइन, वही टेस्ट है एज अ कन्फर्मेटरी टेस्ट जिसका नाम है साकागुची टेस्ट। तो आपके लिए आसानी हो जाएगी कि आइडेंटिफिकेशन टेस्ट अलग से और कन्फर्मेटरी टेस्ट अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, दोनों टेस्ट एक ही है। बस आपको इस टेस्ट का नाम मतलब साकागुची टेस्ट और इसकी प्रोसीजर आपको याद करनी पड़ेगी। तो साकागुची टेस्ट में फिर से रिपीट करूंगा, 1 ml ऑफ OS प्लस 1 ml ऑफ 10% NaOH प्लस 5 ड्रॉप ऑफ अल्फा नैप्थेनॉल एंड 1 ml ऑफ सोडियम नाइट्रोप्रुसाइड रिएजेंट। अगर हमें टेस्ट ट्यूब में रेड कलर दिखाई दे या फिर रेड कलर इंडिकेट हो जाए तो दिया हुआ कंपाउंड एक आर्गनाइन है। उसके बाद नेक्स्ट कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर ग्लाइसिन। तो एक्चुअली ग्लाइसिन के लिए दो डिफरेंट कन्फर्मेटरी टेस्ट है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप पहला कर सकते हो दूसरा नहीं, दूसरा कर सकते हो या फिर पहला नहीं, ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है या फिर ऐसी कोई जो मैंडेटरी नहीं है, आप दोनों में से कौन सा भी एक टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हो। तो पहला टेस्ट है 5 ml ऑफ 110 ml ऑफ सॉल्यूशन प्लस 2 ड्रॉप्स ऑफ सोडियम नाइट्राइट सॉल्यूशन, इस मिक्सचर को ऐड करने के बाद अगर हमें विग्रस इवोल्यूशन ऑफ कलरलेस गैस दिखाई दे
तो ऐसे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं या फिर कंक्लूड कर सकते हैं कि दिया हुआ कंपाउंड ग्लाइसिन है। उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट है 2 ml ऑफ 1 in 10 ml सॉल्यूशन प्लस 1 ml ऑफ फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन, और इस मिक्सचर को ऐड करने के बाद अगर हमें रेड कलर दिखाई दे तो हम ऐसा मानकर लेकर चल सकते हैं कि दिया हुआ कंपाउंड ग्लाइसिन है। और यही जो सॉल्यूशन है या फिर यही जो मिक्सचर है 2 ml in 1 in 10 ml सॉल्यूशन प्लस 1 ml फेरिक क्लोराइड, अगर इसमें हम एक्सेस ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर डाइल्यूट HCl ऐड कर देते हैं और ऐड करने के बाद अगर रेड कलर गायब हो रहा है तो एक सेकेंड इंडिकेशन रहता है कि दिया हुआ कंपाउंड ग्लाइसिन है। और अगर एक्सेस ऑफ डाइल्यूट एसिड ऐड करने के बाद अगर हम उसमें स्ट्रॉन्ग अमोनिया सॉल्यूशन ऐड करें जो कि एक बेस है, देखो पहले हमने एसिड ऐड किया जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसके वजह से जो रेड कलर था वो गायब हो गया। अगर हम उसको उसका रेड कलर फिर से लाना चाहते हैं तो हमें एक स्ट्रॉन्ग डाइल्यूट बेस डालना पड़ेगा जो कि है अमोनिया, वो भी हमें एक्सेस में डालना पड़ेगा क्योंकि जो भी HCl का इफेक्ट है उसको कम करेगा। तो अमोनिया सॉल्यूशन ऐड करने के बाद अगर रेड कलर फिर से आ रहा है तो ये कंफर्म है कि दिया हुआ कंपाउंड ग्लाइसिन है। उसके बाद नेक्स्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए सारंग मोरेज फार्म एकेडमी को। अगर आपको कोई पॉइंट के ऊपर डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका डाउट सॉल्व कर सकूं। थैंक यू।